गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हम पंछी उन्मुख गगन के का फोर्थ पैरा, जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। देखो, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। देखो, अरमान यानी इच्छा, पक्षी की इच्छा है कि वो उड़ते उड़ते नीले नभ यानी आसमान की सीमा पाले, सीमा मतलब छोर या किनारा पाले। लाल किरण सी मतलब सूरज की किरणों जैसी लाल लाल चोंच खोल, चुगते मतलब खाते तारक अनार, तारक रूपी अनार के दाने। तो वो क्या कहना चाहता है पक्षी, उसकी क्या इच्छा है कि उड़ते उड़ते वो नीले आसमान की सीमा पाले और अपनी लाल लाल चोंच खोलकर वो तारे जैसे अनार के दाने खाने की इच्छा रखता है और उनको चुगता। तो आया समझ कि क्या पक्षी की क्या इच्छा है कि वो नीले नभ की सीमा पाए और अपनी लाल लाल सी चोंच खोलकर जो है तारक अनार के दाने चुगे। अगला देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसमें भी पक्षी क्या इच्छा रख रहा है, होती सीमाहीन, सीमाहीन मतलब जिसमें सीमा ही ना हो। क्षितिज वो बिंदु होता है जहाँ धरती और आसमान मिलते दिखाई देते हैं। होड़ा होड़ी मतलब प्रतिस्पर्धा या मुकाबला, मिलन मिलना, तंती सांसों की डोरी मतलब मर जाना। पक्षी क्या इच्छा रखता है जहाँ जिसमें कोई सीमा नहीं है, उस क्षितिज तक या जहाँ धरती और आसमान मिलते दिखाई देते हैं हम अपने पंखों का मुकाबला करते हुए, प्रतिस्पर्धा करते हुए, होड़ करते हुए वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते। या तो हम उस क्षितिज को पा लेते या फिर हम मर जाते, या तंती सांसों की डोरी या फिर हम मर ही जाते, क्योंकि पक्षी भी जो है चलते चलते थक जाता है, उड़ते उड़ते थक जाता है। तो इसलिए वो कहता है या तो हम क्षितिज को प्राप्त कर लेते या फिर हम मर ही जाते। धन्यवाद।